तो इनकी बढ़िया सी मसाज करूंगा और भाई को खुश रखूंगा। क्यों भाई, खुश होना है ना आपको? नम्रता डैन, ठंडा ठंडा, कूल कूल। सोएगा स्टेप बंद है, खुश हो गया। अब मैं द्वार से करता कर लेता हूँ यार भाई, वरना खुश नहीं होगा। चलो ओके। तो क्या हाल चाल मेरे दोस्तों? तो गाइज आज सुबह सुबह से भाई मेरी शक्ल बंदर की तरह हो रही है, बिल्कुल एक प्रकार से बंदर को एक तरफ रखे और मेरे को एक तरफ, तो बात एक ही है। और गाइज अभी सुबह सुबह से मैं जा रहा हूँ भाई, आपको पता ही है कहाँ जाता हूँ मैं, शॉप पर, और पैदल पैदल तुम्हारे को पता ही है। तो अभी चलते हैं भाई, दुम दुमा के भागते हैं। तो गाइज यार इन रोडों को कोई ठीक क्यों नहीं करता है? इसमें भाई मेरे से ही नहीं चला जा रहा गाड़ी, तो उसमें कैसे चलेगी? मैं भी गिरने लग रहा पर है। अरे अरे इधर उधर चल रहा मैं भी, कभी मैं इधर चला कभी मैं उधर चला। और ये इतना बड़ा गड्ढा देख रहे हो आप, इसमें चाहे एक बंदा सो जाए, इतना बड़ा गड्ढा कर रखा। सड़के का बुरा हाल है गाइज। गाइज मैं सड़कों की इसलिए बातें कर रहा हूँ क्योंकि अगले साल मैं मंत्री बनने के लिए उठ रहा हूँ। मंत्री बनूंगा मैं अगले साल सीधा ही भाई, चाहे जो मर्जी होएगा, वोट मेरे को देना तुमने बस, ठीक है ना? ये बात मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर तुमने किसी और को वोट दिया ना, मेरे को चाहिए 20 वोट, बस 20 वोट में बहुत है। तो गाइज अभी हमारा प्रिय भाई अंशु भी आ चुका है हमारे से मिलने, तो अभी मिलाते हैं उसको। तो गाइज जिस बंदे की बात कर रहा था वो बंदा फिर से मिल चुका है हमारे को गाइज, फिर से एक और बार। तो ये जती जी जाते हैं कॉलेज, अभी ये कॉलेज जाएंगे। कॉलेज में क्या बढ़िया है सिस्टम, क्या है सिस्टम? तो बिल्कुल गाइज बढ़िया है एकदम, सिस्टम हैंग हो रहा भाई। हमारा मन भी करता है यार कॉलेज जाने का, पर हम कभी जा नहीं सकते, क्यों पता नहीं जी। जा सकते ऐसे यार, अलग से जा सकते ऐसे? हाँ अलग से जा सकते घूमने, तो अलग से चलेंगे गाइज किसी दिन, कॉलेज जरूर जाएंगे इसके कॉलेज। हम तो भाई अपने काम में आजकल ऐसे ही है बस, बिजी बिजी तो क्या, बस ऐसे ही है। और बस आने वाली है, बस का इंतजार कर रहे हैं। ये सोलन जाएंगे, मैं 0 पॉइंट ओजघाट वहाँ जाऊँगा अपने अपने काम में, क्यों जी? ठीक है जी, ठीक है जी। तो गाइज अब मैं अपनी शॉप पर पहुँच चुका हूँ, अपनी क्यों बोलता हूँ मैं, मेरी तो है भी नहीं है, मेरे उस्ताद की है, पर जिस पर मैं बैठ जाता हूँ ना वो चीज़ भाई मैं अपनी बना लेता हूँ। जा कर रहा यार कहीं उस्ताद जी ब्लॉग देख कर बाद में बोले भी हैं ये तेरी है कोई दुकान। चलो कोई बात नहीं गाइज, अभी मैं दुकान में पहुँचा हूँ, कोई भी नहीं है दुकान में, मेरा उस्ताद भी नहीं, कोई नहीं, मैं अकेला हूँ बस। तो आज कोई फायदा नहीं उठाएंगे अकेलेपन का, बस चुप मान बैठे रहो। अब थोड़ी देर बाद मिलते रहेंगे आपको, जो होता रहेगा वो दिखाते रहेंगे। दाढ़ी मूछ आ गई भाई तुम्हारे भाई के, देखो अब नहीं, अब तो भाई ऐसे देगा तुम्हारा भाई ताओ मुझ पे, आने दो अभी क्लियर नहीं आ रही, जब क्लियर आएगी ना तो ऐसे देगा ताओ तुम्हारा भाई। तो भाई मैं अभी अखबार पढ़ रहा हूँ क्योंकि किसी लड़की का दिल पढ़ने के लिए तो मेरे को टाइम ही नहीं लग रहा, अखबार पढ़ने के लिए लग रहा टाइम। और भाई मैं इतना चैलेंज देता हूँ कि मेरे मुकाबले कोई अखबार नहीं पढ़ सकता है, मतलब मेरे जितने जल्दी मैं अखबार पढ़ सकता हूँ उतनी जल्दी कोई भी नहीं अखबार पढ़ सकता है, मान सकते हैं बात? तो अभी मैं पढ़ रहा हूँ, बांग्लादेश को रौंद, भारतीय महिला क्रिकेट टीम फाइनल में, पूजा वस्त्र करके मन से 110 किलोमीटर पढ़ता हूँ ना बहुत जल्दी। तो गाइस अभी भाई मेरे पास आए हैं बंदे, मतलब बंदा है अपना यार दोस्त, रुको इधर से दिख नहीं रहा अच्छे से, अब दिखे गए भाई, ये रौनक है चेहरे पे। तो अभी मैं इन भाई का करने वाला हूँ, भाई साहब क्या करने वाला हूँ मैं आपका? मसाज, हेड मसाज। तो इनकी बढ़िया सी मसाज करूँगा और भाई को खुश रखूँगा, क्यों भाई खुश होना है ना आपको? तो भाई अभी सबसे पहले मैंने ले लिया है नवरत्न का तेल जो भाई इनके बालों में जाएगा। तो चलो सबसे पहले नवरत्न टेन, ठंडा ठंडा, कूल कूल बस। सोएगा स्टेप बंद है, खुश हो गया। अब मैं द्वार से करता कर लेता हूँ यार भाई, वरना खुश नहीं होगा। चलो तो गाइज अभी भाई हम पहुँच चुके हैं घर में और भाई अपनी फेवरेट चीज़ खा रहे हैं हम, मक्की। ये तो गाइज सबने खाई होगी, क्या बात है, मक्की गाइज हमारे घर में होती है तो बस थोड़े बहुत खाने मिल जाती है, चूल्हे में जलाई जाती है मतलब मक्की, बढ़िया भून के मजा आ जाता है, मीठी मीठी आहा। तो अभी घर में व्लॉग को एंड तक देखना, व्लॉग अभी भी बनता ही रहेगा, रात हो चुकी है पर मैं ऐसा बनता हूँ व्लॉग बनाता ही रहूँगा। अच्छा तो गाइस अभी भाई मैं आ चुका हूँ ऋषभ जी के घर,
और ऋषभ जी सोने के एक्टिंग कर रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि इसने कपड़े नहीं पहन रखे ऋषभ जी। ऋषभ जी कोई टेंशन नहीं है, ऋषभ जी ऋषभ जी इसकी याद है, इसकी याद है। ऋषभ जी बहुत शर्मा रहे हैं क्योंकि इनको पता नहीं शर्म क्या लग रही आपको, चेस्ट शर्म शर्म नहीं होती मारो कुछ तो है तुम्हारी चेस्ट यार, मेरी जैसी चेस्ट है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है नहीं आशो दिखाओ बस है। ये हमारे जतिन जी गेम में हुए फंसे हुए जी भाई, मेरे को पता क्या कर दे रहे उन्होंने, ये तो वश में हो गया पता नहीं क्या हो गया, कर दे लोगों गेम हो गया। जतिन हमेशा गेम में रहता है देखो, अब हम है थोड़े ऐसे बंदे क्यों ऋषभ जी, और तो अब भाई ब्लॉग को एंड करते, नींद आ रही हम सबको बहुत प्रेशर वाली आ रही ना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय कर दो भी सब्सक्राइब।